नमस्कार दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के कारण वंदे भारत ट्रेन के पहियों का आयात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अब इंडियन रेलवे ने बैंगलोर में ही वंदे भारत ट्रेन के पहिए बनाने का फैसला किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंदीदा योजनाओं में से एक है और रेलवे इसे तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ाना चाहती थी। यूक्रेन से 128 पहियों की पहली खेप उसके पड़ोसी देश रोमानिया में सड़क मार्ग से पहुंचा दिए गए और इस समय वहीं अटके हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस खेप को मई के तीसरे सप्ताह तक हवाई जहाज के जरिए भारत लाने की उम्मीद है। वैसे तो रेल पहिया कारखाना इन पहियों के लिए एक्सल तो बनाती रही है, यहाँ तक कि आयातित पहियों के एक्सल भी यही बनाए जाते हैं। रेलवे के इस फैसले से ट्रेन के पहियों पर आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। भारतीय रेल इस समय 60-70% पहियों का आयात करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में घोषणा की थी कि अगले 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का विकास किया जाएगा। नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित समय सीमा के अनुसार 15 अगस्त 2023 तक ऐसी 75 रेलगाड़ियों को चलाने का लक्ष्य है। वंदे भारत ट्रेन के लिए 40 से अधिक पहियों की पहली खेप 12 मई को चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचेगी, क्योंकि सरकार ने यूक्रेन संकट से उत्पन्न मुद्दे को सुलझा लिया है। रेल मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय और यूक्रेन में संबंधित भारतीय दूतावास के साथ बैठकें की हैं और ट्रकों के जरिए रोमानिया में 128 पहियों के पहले बैच को लाने का फैसला किया है। इसके बाद 3 जत्थों में रोमानिया से एयर कार्गो के जरिए भारत में ये पहिया आएंगे। 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन के नए संस्करण के लिए 128 पहिया आने हैं, जिन्हें रोमानिया से चेन्नई के लिए एयरलिफ्ट किया जाएगा। इन पहियों का इस्तेमाल पहली प्रोटोटाइप वंदे भारत ट्रेन के प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा, जिससे कि इस साल जुलाई में ट्रायल रन शुरू हो सके। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कर रही है। भारत ने यूक्रेन की एक फर्म को 36,000 पहियों का ऑर्डर दिया था, जिसने नए उत्पादन को रोक दिया क्योंकि वहां अधिकांश कर्मचारी युद्ध में शामिल हो गए। लेकिन 128 पहियों को सड़क मार्ग से रोमानिया ले जाया गया और वहां से अब इन्हें एयरलिफ्ट करके भारत लाया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 40 से अधिक पहिए 12 मई को चेन्नई पहुंच जाएंगे और बचे हुए पहिए 2 चरणों में आएंगे। अधिकारियों ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं कि पहिए समय पर पहुंच जाएं और अगस्त 2023 तक ऐसी 75 ट्रेनों के निर्धारित रोल आउट को प्रभावित न करें। भारत ने अब पोलैंड और अमेरिका को पहियों के ऑर्डर दे दिए। सरकार ने बेंगलुरु में रेल व्हील फैक्ट्री में इन पहियों के लिए एक्सेल का उत्पादन भी तेज कर दिया है। अब इन्हें चीन से भी मंगवाने पर विचार किया जा रहा है। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 12 मई से पहियों को ले जाने वाला एयर कार्गो ऑपरेशन 3 दिनों तक जारी रहेगा। युद्ध के चलते यूक्रेन से पहियों का शिपमेंट प्रभावित हुआ है और इसके चलते ही प्रोटोटाइप ट्रेन के रोल आउट में देरी हो सकती है।